हेलो एवरीवन, दिस इज सान्या वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल ड्रीमी सान्या। होप यू ऑल आर गुड। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग माय रक्षाबंधन डे, दैट हाउ माय डे गोज, हाउ आई सेलिब्रेटेड रक्षाबंधन। होप यू गाइज विल लाइक इट। सो सबसे पहले नहाते ही मैंने किया मेकअप, बिकॉज यू गाइज नो आई जस्ट लव 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 मेकअप। और उस दिन आईज इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, मतलब मुझे ये कलर बहुत प्रिटी लग रहा था। ये मेकअप लुक मैंने शूट भी किया है, जो जल्दी ही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। सिंपल सटल मेकअप लुक था विद ब्राइट आईज, बहुत अच्छी लुक आ रही थी, बहुत प्रेज हुई थी मेरी, मुझे बहुत खुशी हुई। सो तैयार होने के बाद सबसे पहले बांधी मैंने राखी मेरे कान्हा जी को। सबसे पहले हमारे घर कान्हा जी को ही राखी बांधी जाती है, सो कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं। उन्होंने भी थीम को फॉलो किया है, ग्रीन पहना है। हमारे घर राखी ऐसे मनाई जाती है, पहले बहन कलर डिसाइड करती है कि उसे किस कलर की ड्रेस पहननी है, उसके बाद सभी भाई उन्हें फॉलो करते हैं। मुझे इस बार ग्रीन कलर का सूट पहनना था, तो मेरे सभी भाइयों ने ग्रीन टी शर्ट शर्ट जो भी वो चाहते थे वो पहनी है, बट कलर सबको रिस्ट्रिक्टेड था कि ग्रीन ही पहनना है, सो सबने ग्रीन पहनी है। ये है मेरा ब्रदर, माय रियल ब्रदर, इसने पहनी है डार्क ग्रीन मेहंदी कलर की टी शर्ट। टिंट्स अलग हो सकते हैं बट कलर ग्रीन ही था। सो मैंने इस बार बनवाई थी मेरे भाई के लिए चांदी की राखी, सो उसका नेम भी लिखवाया था। निक नेम है उसका हिमी, बट उसका एक्चुअल नेम है हेमंत। सो हिमी मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगा राखी पे बनवाने के लिए, सो मैंने हिमी नेम से ब्रेसलेट बनवाया है चांदी का, और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये ब्रेसलेट। और रिटर्न में मुझे गिफ्ट तो राखी से पहले ही मिल गया था, मुझे ये ड्रेस और ये दुपट्टा मेरे ब्रदर ने गिफ्ट किया है। एंड राखी बांधने के बाद मैंने उससे खिलाया घेवर, बिकॉज सावन का महीना चल रहा है एंड घेवर सावन के महीने की स्पेशलिटी होती है, और मेरे भाई को मावे वाला घेवर बहुत पसंद है। नेक्स्ट मैंने बांधी मेरे कज़न को राखी, ये है यूवी, हमारे घर का सबसे छोटा सा बेटा और सबसे क्यूट शरारती। सो नेक्स्ट मैंने बांधी इसे राखी। ये कैमरे से काफ़ी शाय हो रहा था, इसलिए कैमरे की तरफ देख नहीं रहा था, एंड इसने मेरे कलर को बिल्कुल फॉलो किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइट ग्रीन कलर पहना है जैसा मैंने ड्रेस पहनी है। क्योंकि सो आप देख रहे होंगे कि मैं सभी भाइयों को दो राखी बांध रही हूँ। दो राखी बांधने का ये पर्पज़ है, एक राखी मेरी तरफ से है और एक मेरी बुआ की तरफ से है। बुआ दिल्ली में रहते हैं, वो आ नहीं पाए ड्यू टू करंट सिचुएशन, सो इसीलिए उनके नाम की राखी भी मैं ही बांध रही हूँ। देन मैंने मेरे कज़न्स के लिए लाई थी मैं चॉकलेट्स, बिकॉज वो छोटे हैं, चॉकलेट्स उन्हें पसंद है, सो मैं उससे यही पूछ रही थी कि कौन सी चॉकलेट वो खाना पसंद करेगा। देन उसने जो भी चॉकलेट पिक की वो मैंने उसे खिलाई एंड उसने रिटर्न में मुझे खिलाई। ये है यूवी का बड़ा भाई कान्हा, नेम है कार्तिक, घर पे हम कान्हा बुलाते हैं। एंड इसने भी पहना है ग्रीन जैसे आप देख रहे हैं, और राखी बांधी, दो राखी बांधी, एंड उसके बाद हमने ढेर सारी बातें करी और काफ़ी इंजॉयफुल डे था, काफ़ी मज़ा आया। साथ साथ हमारा फ़ोटोशूट भी चल रहा था, तो हम एक दो सेकंड का गैप ले रहे थे ताकि पिक्स भी क्लिक हो जाएं, एंड काफ़ी इंजॉयफुल डे था, बहुत मज़ा आया उस दिन। वैसे आपको मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है? ये मैंने मीशो से मंगाई है, माय फर्स्ट ज्वेलरी या फर्स्ट आइटम जो मैंने मीशो से मंगाई है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मीशो का, जिसका रिव्यू मैं श्योरली शेयर करूँगी। देन मैं बांध रही हूँ मेरे पापा को राखी, क्योंकि यू नो बुआ नहीं आई थी, तो बुआ के नाम की ही राखी मैं पापा को बांध रही हूँ, और पापा ने भी हमारा कलर फॉलो किया, उन्होंने भी ग्रीन टी शर्ट पहनी। मम्मा ने बोला पापा को कि आप भी ग्रीन पहनो, क्योंकि इस बार राखी मैं ही बांधने वाली थी पापा को, सो पापा ने भी हमारा कलर फॉलो किया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। फिर मैंने जो दूसरी राखी पापा को बांधी, तो मैं पापा को बोल रही थी कि इसमें से खुशबू आती है, पापा वही चेक कर रहे थे, क्योंकि ये चंदन की राखी थी, इसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। सो ये वाला धागा मैं सबके लिए लाई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। इसके बाद मैंने पापा को खिलाया घेवर, और मम्मा ने बोला काजू भी खिलाओ पापा को, क्योंकि ये बुआ की तरफ से आए थे,
सो काजू खाने के बाद हम सब तैयार हो रहे थे फोटोज़ क्लिक कराने के लिए, क्योंकि हमने ग्रीन थीम को फॉलो किया था। उसके बाद हमने क्लिक की कुछ पिक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारी पिक्स हमने क्लिक की। सारी मैं ऐड नहीं कर सकती, बट कुछ जो स्पेशल वंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हमने इंजॉय किया फूड, दैट इज़ क्रिस्पी मोमोज एंड होममेड मंचूरियन, जिसकी रेसिपी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। और इसी के साथ करती हूँ मैं मेरी वीडियो का एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो गिव इट अ बिग 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 थम्स अप, मुझे बहुत खुशी होगी आपके एक लाइक से। एंड वीडियो को ढेर सारा प्यार करना, शेयर करना एंड ड्रीमी सैनिया चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।